नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्नैपड्रैगन के 765 765G और मीडियाटेक के डायमेंसिटी 1000 5G के बारे में। अब ये तीनों ही चिपसेट हैं दोस्तों जो आपको 5G देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। और हम बात कर लेंगे इनके स्पेक की भी, साथ में कंपैरिजन के साथ कुछ एक्सप्लेनेशन भी जो मुझे देनी होगी वह मैं आपको एक ही वीडियो में दूंगा, ताकि आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े इस टॉपिक पर। तो मैं चाहता हूं कि सारी चीज़ें आप एक ही वीडियो में क्लियर कर लें, तो लास्ट तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना, क्योंकि जैसा मेरी हर चिपसेट कंपैरिजन की वीडियो में बोलता हूं, और आप काफ़ी उस वीडियो पर सपोर्ट भी दिखाते हो। तो इसी बात में वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो तीनों ये चिपसेट देखने को मिल रहे हैं, वो तीनों में ही आपको इंटीग्रेटेड 5G मॉडेम देखने को मिलता है। यानी कि आपको बाहर से कोई भी 5G मॉडेम लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आपको जरूरत पड़ती है 865 और 855 में। तो ये एक चीज़ है जो मैंने आपको बता दी है। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम साइज की, फैब्रिकेशन की, क्योंकि आपको पता है कि यार साइज मैटर्स। तो यहाँ पर तीनों में ही आपको 7nm की फैब्रिकेशन देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी डिसेंट सी बात है। इससे आपको हीटिंग इशू भी थोड़े कम देखने को मिलते हैं तीनों में, और साथ में आपको बैटरी एफिशिएंसी भी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगी अब की बार एक अपर मिड रेंज और फ्लैगशिप स्मार्टफोन के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ है कि जो सैमसंग की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ की है स्नैपड्रैगन में, तो ये एक डिसेंट सी चीज़ है। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सीपीयू की, क्योंकि सीपीयू इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चिपसेट का। सीपीयू में दोस्तों तीनों में ही आपको ऑक्टा कोर सीपीयू देखने को मिलता है, 8 कोर आपको देखने को मिलेंगे, साथ में 64 बिट वाला आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तीनों ही बिल्कुल आपको सेम देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं 765 और 765G की। सबसे पहले तो दोनों में कोई आपको मैसिव डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, बस आपको फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस देखने को मिलता है, जो मैं आपको सीपीयू के मामले में बता दूंगा। दोनों में आपको जो प्राइम कोर मिलता है एक मिलता है, जो आपको मिलेगा कोर्टेक्स के A76 का, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2.3 GHz 765 में, जबकि आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2.4 GHz देखने को मिलेगी 765G में। तो बस थोड़ा सा आपको फ्रीक्वेंसी में अंतर देखने को मिल रहा है, बाकी और कोई कोर में आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। जो दूसरा कोर मिलता है वो भी कोर्टेक्स के A76 का मिलता है, लेकिन अब की बार दोनों में फ्रीक्वेंसी मिलती है 2.2 GHz की। बाकी का आपको 6 कोर देखने को मिलेंगे कोर्टेक्स के A55 के 1.8 GHz पर। अब इसके बाद दोस्तों चलते हैं हम मीडियाटेक में। तो मीडियाटेक ने दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा हिसाब रखा है, ताकि हम लोगों को बताने में दिक्कत ना हो और आपको समझने में दिक्कत ना हो। सीधे इन्होंने दोस्तों 4+4 के हिसाब से कोर को बांट दिया है। 4 आपको हाई परफॉर्मेंस के कोर देखने को मिलेंगे कोर्टेक्स के A77 के। तो इस बात पर ध्यान देना, वहाँ पर 76 के थे दोस्तों, यहाँ पर 77 के हैं, वो भी 4 कोर। तो नो डाउट दोस्तों बिल्कुल बीट करेगा क्लियरली रो परफॉर्मेंस में और बेंचमार्क दोनों में दोस्तों मीडियाटेक। वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी है, वो भी आपको 2.6 GHz देखने को मिलती है 4 कोर की। तो बहुत ही हैवी दोस्तों इन्होंने सीपीयू अब की बार बनाया है। और इसके साथ ही दोस्तों जो बाकी के 4 कोर आपको देखने को मिलते हैं, वो एनर्जी एफिशिएंसी कोर देखने को मिलते हैं कोर्टेक्स के A55 के, जो कि दोस्तों होने वाले हैं 2.0 GHz पे। तो ये भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर इन्होंने रखे हैं। तो इसी बात में दोस्तों एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूं, अगर आप कंपेयर कर रहे हो ना स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक को, तो बैटरी एफिशिएंसी आपको यहाँ बेटर रहने को मिल जाएगी स्नैपड्रैगन की। रीज़न है दोस्तों क्योंकि जो हाई परफॉर्मेंस के कोर है वो इन्होंने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर ज़्यादा पावरफुल रखे हैं। हालांकि पावरफुल से मतलब नहीं होता, लेकिन जो एनर्जी एफिशिएंसी कोर है उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा आपको देखने को मिलती है, और कोर की संख्या भी आपको कम ही देखने को मिलती है। तो अगर हैवी टास्क होगा तो इनको ज़रूरत पड़ेगी हाई एंड कोर की, जबकि स्नैपड्रैगन ने दोस्तों थोड़ा सा इसको सेट कर दिया है, मतलब अलग अलग फॉर्मेशन में रखी है, तो थोड़ी से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो प्राइम कोर की बजाय वो सीधे गोल्ड कोर पे जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, तो बैटरी एफिशिएंसी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आपको हाई परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है तो थोड़ी सी बैटरी ज़्यादा चली जाए तो इसमें दिक्कत वाली भी बात नहीं है, तो ये भी एक चीज़ है, तो इसको भी आपको नोट करना है। अब इसके बाद दोस्तों बात करूँ जीपीयू की, तो जीपीयू के मामले में दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, तीनों ही काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर एड्रिनो का 620 मिलता है आपको 765 और 765G में। अब इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में सेम जीपीयू है, तो दोस्तों 20% आपको ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा 765G का जीपीयू इन कंपेरिजन 765 के। अब और दोस्तों किस हिसाब से हम इसको नाप सकते हैं, क्योंकि भाई अभी बेंचमार्क तो आया नहीं है। तो इन्होंने बताया कि जो 730 का जीपीयू है उससे 20% ज़्यादा अच्छा है हमारा जीपीयू किसका, 765 का, और 40% बेटर जीपीयू है 765G का। तो इससे आप कह सकते हो कि अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है 765G में इन कंपैरिजन स्नैपड्रैगन 730 के, तो ये अच्छी बात है। बाकी मीडियाटेक में आपको माली का G77 जो कि फ्लैगशिप कोर है जीपीयू के मामले में भी, उसके 9 कोर आपको देखने को मिलते हैं। अब इसके जो जीपीयू स्कोर निकल कर आए थे दोस्तों मीडियाटेक के, वो निकल कर आए थे 2 लाख के आसपास, तो वो बहुत ही बड़ी बात है और बिल्कुल बीट करता है क्लियरली काफ़ी सारे चिपसेट को। लेकिन अभी प्रैक्टिकली स्कोर दोस्तों यहाँ पर नहीं आए स्नैपड्रैगन के जीपीयू के, तो इस बारे में दोस्तों मैं अभी ये नहीं कह सकता कि कौन सा बेहतर होगा कौन सा नहीं होगा।
तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा यहाँ पर मीडियाटेक का, लेकिन फिर भी हम इंतजार करते हैं इसके बेंचमार्क का। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं रैम की, तो दोनों में आपको LPDDR4X रैम का सपोर्ट मिलेगा 2133 मेगाहर्ट्ज़ तक की, LPDDR5 का आपको सपोर्ट नहीं मिलता है फिलहाल 765 और मीडियाटेक में। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि कितने चैनल आपको देखने को मिलते हैं, तो डुअल चैनल आपको रैम देखने को मिलती है मैक्सिमम 12GB तक की आप लगा सकते हो, वहीं पर 16GB आप मैक्सिमम लगा सकते हो क्वाड चैनल के साथ मीडियाटेक में, तो ये अच्छी चीज़ है, दोनों में काफ़ी बढ़िया सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 5G मॉडेम की, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि भैया 5G चिपसेट बना रहे हैं और 5G मॉडेम की बात ना करें तो बिल्कुल बेकार होगा। तो X52 आपको मॉडेम देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन के चिपसेट में, यानी कि X55 का थोड़ा सा डाउनग्रेड आपको वर्जन देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नाम में कुछ नहीं रखा है, काम से मतलब होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आपको जो डाउनलोडिंग स्पीड मिलती है 765 और 765G में, तो डाउनलोडिंग स्पीड आपको मिलती है 3.7 GB पर सेकेंड मैक्सिमम, वहीं पर अपलोडिंग स्पीड आपको मैक्सिमम मिलती है 1.6 GB पर सेकेंड। वहीं पर मीडियाटेक में जाएं तो आपको बहुत सारे एडवांटेज देखने को मिल रहे हैं, 5G में कैरियर एग्रेशन का आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो ये एक बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। इसके अलावा एक दोस्तों खास चीज़ ये है कि आपको 4.7 GBPS तक की आपको मैक्सिमम स्पीड देखने को मिल रही है, जो कि पीक है इसका, और साथ में दोस्तों आपको 2.5 GBPS की अपलोडिंग स्पीड देखने को मिल रही है। तो क्लियरली 5G मॉडेम के मामले में, 5G सपोर्ट के मामले में बीट करता है मीडियाटेक स्नैपड्रैगन को बिल्कुल बिल्कुल सिंगल हैंड। तो इसके बाद बात करें अगर AI की, तो AI दोनों में आपको बेटर देखने को मिल जाती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों में आपको UFS 2.1 और UFS 3 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ भी आपको दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा कैमरा की बात कर लें तो आपको यहाँ पर 192 मेगापिक्सल तक का कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाएगा स्नैपड्रैगन में, वहीं पर दोस्तों आपको 80 मेगापिक्सल तक का मैक्सिमम सपोर्ट देखने को मिलता है मीडियाटेक में, वहीं पर आपको 36 मेगापिक्सल तक का सपोर्ट मिलेगा डुअल कैमरा का मीडियाटेक में, वहीं पर आपको 22 मेगापिक्सल तक का डुअल कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाएगा स्नैपड्रैगन में। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों कैमरा के मामले में, यानी कैमरा जो स्पेक आपको बताए गए हैं इनके ऊपर आप मत जाइए, कैमरा जो बताए गए स्पेक से भी ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हुए यहाँ पर दिख जाते हैं, जैसा कि हमने काफ़ी पहले से ये चीज़ देखते आए हैं। अब इसके बाद दोस्तों एक चीज़ है कि डिस्प्ले आपको मैक्सिमम सपोर्ट कितना देखने को मिलता है, तो आप क्वाड एचडी प्लस के डिस्प्ले लगा सकते हो स्नैपड्रैगन में 60Hz तक की, और फुल एचडी लगा सकते हो आप यहाँ पर 120Hz तक की। वहीं मीडियाटेक में भी आप 4K डिस्प्ले आसानी से यूज़ कर सकते हो, 4K HDR, HDR 10 प्लस सब का आपको सपोर्ट दोनों में देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। तो ये चीज़ थी दोस्तों जो मैंने आपको इस पैक के माध्यम से क्लियर कर दी है। और अगर मैं बेंचमार्क स्कोर की बात करूं तो स्नैपड्रैगन के दोस्तों अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन जो मीडियाटेक के आए वो एंटीटू बेंचमार्क पर इसने स्कोर किया है 5,11,000 के आसपास का, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है किसी भी चिपसेट के लिए। तो एक बात क्लियर है कि जो मीडियाटेक का चिपसेट है वो काफ़ी पावरफुल है इन कंपेरिजन 765 और 765G के। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये दोस्तों जो स्नैपड्रैगन 765 765G है वो कम प्राइजिंग में भी आपको देखने को मिल जाएंगे इंडिया में। वहीं मीडियाटेक दोस्तों बीच में रहेगा यहाँ पर 865 और 765G के। तो अगर मीडियाटेक दोस्तों थोड़ा सा दिमाग के साथ खेलता है और अब की बार एग्रेसिव हो जाता है, जैसा कि उन्होंने कहा था कि अपने इवेंट में कि हम सबसे कम प्राइजिंग में आपको सबसे ज़्यादा स्पेक देने वाले हैं मार्केट में, तो अगर 765G की प्राइस सेगमेंट में अगर वो ले आते हैं डायमेंसिटी 1000 को, तो क्लियरली दोस्तों बीट करेगा और काफ़ी मार्जिन से दोस्तों बीट करेगा यहाँ पर मीडियाटेक, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ है मीडियाटेक के लिए भी और हम सभी के लिए कि हमको कम प्राइसिंग में अच्छे चिपसेट देखने को मिल जाएगा। इसके साथ दोस्तों बात है कि 5G के मामले में मीडियाटेक अब की बार हेड टू हेड कंपटीशन देने वाला है, क्योंकि 4G के मामले में वो पीछे रह गए थे, अब की बार वो चिपसेट ही ऐसे बना रहे हैं कि सीधे कंपीट कर पाएं। उम्मीद है आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। स्नैपड्रैगन 865 के बारे में भी हम बात करेंगे अगली वीडियो में, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आप अपनी राय जरूर देना नीचे कमेंट बॉक्स में, जो आपकी कह सकते हो कोई कन्फ्यूजन हो कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछ सकते हो, और आपकी कुछ सजेशन हो तो वो भी आप जरूर देना। उम्मीद है आपको वीडियो क्लियर हो गई होगी, तो इसमें इतना ही, वीडियो में आपसे फिल्म लगा के तब तक के लिए जय भारत।